guys, welcome back to my another vlog. Hope all are doing good and staying safe. So guys, कल मेरा शूट था, वो कंप्लीट हो गया, वो प्रेरणा के साथ था. और आज भी मेरा शूट है और मे बी नेक्स्ट कल भी मेरा शूट है. तो एकदम से बीमार, बहुत गैप दे दिया था. अब उठी हूँ, बीमार होके अब काम पर ध्यान दूंगी. तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ. मेरा जो शूट है ना, बहुत नियर बाय है मुझसे. और जैसे मैं आपको पता कि मैं द्वारका मोड़ पर यहीं रहती हूँ, और मेरा जो शूट है उत्तम नगर में ही है, उत्तम नगर ईस्ट में. तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये जो शूट है ये मेरी फेवरेट मॉडल के साथ है, वो मैं वहाँ जाके आपसे मिलवाऊंगी. और तब आप देखना, शायद आप लोग जानते भी हो, कुछ ऐसी मेरी प्रोफाइल में होंगे अभी मेरे, मतलब सब्सक्राइबर्स आप लोग अगर होंगे, मतलब जानते भी होंगे उनको. एज एक्चुअली शी इज अ मॉडल और नाउ यू कॉल एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, मतलब मॉडल प्लस मेकअप आर्टिस्ट. 9-10 साल उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में रही हैं वो, और मतलब छोड़ी नहीं है अभी उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री, साथ साथ वो भी कर रही हैं. और 9-10 साल मॉडल इंडस्ट्री में रह के अब उन्होंने मेकअप भी सीख लिया, तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी बन गई हैं. तो उन्होंने अपना ये वाला, मतलब साथ में वाला भी शुरू कर दिया है, और मॉडलिंग तो वो कर ही रही हैं. और तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है. और पहले 12 बजे की टाइमिंग थी, 12:30 बजे की टाइमिंग थी, फिर उनका कॉल आया कि अप्रॉक्स 1 तक आप आ जाना. फिर मैंने कहा चलो ठीक है. फिर मैं नहाई धोई तैयार हुई, मैंने मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं सिर्फ कॉफ़ी पी के आई हूँ. और अभी 1:30 बज चुका है ट्रैफिक में मुझे. मैं टाइम से निकली थी बट ट्रैफिक, उत्तम नगर का जो ट्रैफिक होता है ना, बहुत गंदा है, बहुत कंजस्टेड एरिया है. क्या बताऊँ मैं आपको, आपको तो पता ही होगा. तो अभी 1:30 बज चुका और मैं ट्रैफिक में ही हूँ. बस मैंने 5 मिनट का रास्ता रह गया वैसे तो, बट फिर भी ट्रैफिक बहुत गंदा लगता है यार. और जब कहीं जल्दी जाना हो, तुम लेट हो रहे हो, तब तो बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, है ना. तो अभी फिर हम पहुँच के आपसे बात करते हैं, वहाँ मैं मिलवाऊँगी और मैं अपना पूरा फिट आपको ना वहाँ दिखाऊँगी. ओके गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ और अभी जस्ट आके बैठी हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई थी. और ये रही हेलो गाइस, सबसे मतलब सच्ची में मैं आज, पता है ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम, मतलब पूरे पूरा हो गया सच्ची में. नहीं सच्ची में ये मेरी शादी से पहले की फेवरेट मॉडल है. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लुक व्हिच यू आर क्रिएटिंग ऑन हर. और अभी मेकअप आर्टिस्ट भी, यस. तो गाइस हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू लुक. और मुझे पता ये भी बहुत बेस्ट करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये खुद सुंदर है, तो भाई है ना, तो होता है. तो अभी आप वेट करो मेरी न्यू लुक होने के लिए, तब तक अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और आप वेट करो बस, ठीक है. ओके गाइस, आई एम डन विद माय मेकअप. और मेरा मेकअप लाइट कर दिया इन्होंने, मेरा मेकअप हो चुका है और हेयर स्टाइल हो रहा है बस अब. और ये भी आए हैं हेयर स्टाइल के लिए, हमारा मेकअप हो गया. बाकी आप कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. ताकि जब फुल लुक आएगा तो आप बताना देखकर. ठंड लग गई आगे घर, बहुत ज्यादा वॉमिट वगैरह हुई सर्दी की वजह से पेट पे हवा लगकर, और अब वापस से ठंड लग गई है मुझे. तो अभी हमारा हेयर स्टाइल हो रहा है और ये भैया हमारे हेयर स्टाइल हमारे भैया. और गाइस पता है मैं बहुत हेजिटेट हो रही थी करिश्मा दीदी के साथ मिलने में, यार होता है ना. मैं बहुत हेजिटेट हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत अच्छा है इनका नेचर, बहुत स्वीट है बहुत ज़्यादा, और मुझे अच्छा लगा. अभी हमारा हेयर स्टाइल हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फुल लुक के साथ. ठीक है, देखियो आमिर भैया सेट करके जाना बिल्कुल. सो फाइनली गाइस, मेरा हेयर डो भी हो गया, ऑलमोस्ट पीछे पीछे का बचा है बस. और ज्वेलरी जो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत सिलेक्टिव पीस लेकर आई है करिश्मा दीदी. और मेकअप तो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ड्यूई मेकअप, बहुत अच्छा ब्यूटी वाला मेकअप है बहुत ज़्यादा, और इन्होंने किया है. अभी पर फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है, जब शूट स्टार्ट हो जाता है. अभी बैठी हूँ ना, इस वजह से शायद ज़्यादा फील हो रहा है मुझे. अभी फुल लुक आएगा तो हम रिवील करते हैं. गाइस बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा. हम मतलब क्या क्या हमें करना पड़ता है ना, और आपको तो सिर्फ लगता है कि 10-15 मिनट का ब्लॉग बना लिया, बैठ के बोल रही है और बस ब्लॉग बन गया. इनको यही लगता है कि क्या मेहनत है बैठ के बोलना ही, तो कि कितना ज़्यादा हमें करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा. यार ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है दीदी, बहुत ज़्यादा.
ये देखो मेरे बालों का शीश पट्टी है, ये दो दो, और ये गले का तो देखो कितने ज्यादा, मैं ऐसी ही रानी साहिबा है ना। ऑलमोस्ट मेरा हेयर भी हो गया डन, अब बस मुझे लहंगा पहनना है फिर हम शूट स्टार्ट करेंगे। और आई एम रेडी और मैं अपना फुल लुक आपको दिखाती हूँ। आप इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बैठ जाओ आके। So finally guys, this is my full look. Here is just my full look और I'm ready. और comment करके बताना कि कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। Makeover done by करिश्मा चौहान, my favorite model, मेरा सपना भी पूरा हो गया आज। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी लोग आप comment करके बताना और बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले हम shoot कर लेते हैं। We done with today's shoot और हमारे पैक अप कर लिया है। yes. और बहुत अच्छा मेकअप हुआ है और मैंने हेयर स्टाइल तो खोला ही नहीं है, अभी मैं वेस्टर्न ड्रेस ऐसी पहन के जा रही हूँ। और गाइस जो आज का मेरा मेकअप था वो पता चल ही गया होगा, वो इनसे था एक्चुअल में। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी करिश्मा चौहान, इनकी इंस्टा आईडी भी दे दूंगी और मोबाइल नंबर जो कॉलिंग के लिए बुकिंग का नंबर होगा मैं वो वाला भी ड्रॉप कर दूंगी। तो जो भी टू बी ब्राइड है जिनकी शादी अभी रहती है, एक सीजन तो चला गया, अभी अप्रैल तक होती है ना शादी, तो जो भी सीजन की शादी ब्राइड्स है मैं यही बोलूंगी कि आप जल्दी से जाओ मेरे जैसा सुंदर सुंदर मेकअप कराओ इनसे। और शी इज अवेलेबल ओके फॉर ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप आफ्टर फेब्रुअरी, फॉर ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, रिसेप्शन मेकअप। ओके निकल चुकी हूँ और नितेश आ गए हैं मुझे लेने, और बहुत ज्यादा रश हो रहा है, इतना कंजेस्टेड एरिया ना बहुत ज्यादा। और आज का जो मेरा शूट था वो भी बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, टच वुड, मतलब ना करते हुए अपनी मतलब रियल वो बता रही हूँ मैं आपको एक्सपीरियंस अपना, बहुत अच्छा है वो तो आपको दिख ही रहा होगा यार, कमेंट करके आप भी बताना है ना, अच्छा था और मुझे पसंद आया। अभी हम निकल चुके हैं, खा लिया था आपने खाना, चूर चूर नान, राजू की चूर चूर नान, और क्या क्या सब्जी थी, छोले की मंगाई थी, मतलब प्लेट मंगाया था, और रायता, मेरे पीछे से रायता खा रहे हो आप, इनको पता है कितना रायता मेरा फेवरेट और मैं ही खाती हूँ, तो बहुत रेयरली खाते हैं कभी, मेरे में से भी रखा है ना, देखो ये नहीं खाते बस मेरी कॉपी करते हैं ना कि एक दो, ठंड भी है मंदिर में वो रहा है आरती कि ना मेरे में से भी सिर्फ एक दो बाइट ही खाएंगे। 24 तारीख है यार, मैं सोच रहा कल 25 तारीख है। तो गाइस अभी हम घर जाके बात करते हैं। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, मतलब चुकी थी, थोड़ा टाइम हो गया मुझे आए, और आखिर मैंने पहले सबसे पहले खाना खाया, नितेश ने अपने लिए वो चूर चूर नान और सब्जी रायता वगैरह मंगाया हुआ था, तो इन्होंने मेरे लिए बचा के रखा था, तो मैंने सबसे पहले तो आके वो खाया क्योंकि इनको पता था क्योंकि आते ही मुझे भूख लगेगी, तो फिर सबसे पहले मैंने आते ही वो खाया है। और उसके बाद अब मैं फिर बैठी थी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, सिकाई कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैंने अपना हेयर स्टाइल भी खोल लिया है, हेयर स्टाइल भी खोल लिया, बस मेकअप रिमूव करना है, रात को रिमूव करके सोऊंगी क्योंकि दो दिन से मेकअप के साथ सो रही थी, कल भी शूट है तो आज मैं वॉश करके सोऊंगी क्योंकि सुबह उठ के फिर पहले वॉश कर लूँगी नहाना तो क्योंकि है ही सुबह उठ के, बट फिर भी आज मैं रिमूव करके सोऊंगी, आज मैं अपनी मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगा के सोऊंगी। तो गाइज अभी मैं पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि नितेश को दो दिन हो गए बाहर का खाना खाते खाते, ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं। और गाइज आप देखते मेरा अभी केक ही मेकअप नहीं हुआ है, तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, नितेश अंदर मूवी देख रहे हैं, तब तक के लिए आप रेस्ट करो मैं भी काम करती हूँ, खाना बनाकर आपसे मिलती हूँ। गाइज तो मैं उठ चुकी हूँ और हम रात को खाना वाना खा के सो गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं, और अभी वापस से मैं निकल रही हूँ और टाइम हो रहा है 11:30 और बहुत ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी मैं शूट के लिए निकल रही हूँ, यहाँ पे शोर हो रहा है, मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बात करती हूँ। और आज जो मेरा शूट है वो है
पश्चिम बिहार में। तो गाइज बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा आज आज का है बस, आज ही लास्ट है, फिर फ्री हो जाऊँगी थोड़े टाइम के लिए। और गाइज रात को ना हम सो गए थे पता, खाना वाना खा के ऐसे टीवी देखते देखते सो गए थे, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ऊपर से आके मैंने खाना बनाया, पहले तो खाया था क्योंकि नितेश ने मेरे लिए रखा हुआ था, पहले खाया फिर बनाया फिर खाया रात को हमने वापस, फिर मैं सो ही गई थी, मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी ब्लॉगिंग करने की, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो इस वजह से। तो अभी हम निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 11:30 और आधे घंटे का रास्ता है बस, यहाँ से पास ही है, पहुँच जाऊँगी फिर जाके वहाँ पे। आज मेरे वहाँ पे दो लुक होंगे, एक में भी रिसेप्शन है, एक रिसेप्शन लुक है और एक लहंगे में ही है, तो जो भी रहेगा वो तो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊँगी। और बहुत ज़्यादा नींद भी पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से सर्दी लगती है इतनी ज़्यादा, लहंगे पहनते तो ब्लाउज वगैरह सब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना। बस ये है कि आज ये लास्ट शूट है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 2-4 दिन, फिर देखेंगे कोई नेक्स्ट शूट, मतलब फिर प्लान करेंगे ये, क्योंकि मैंने 3 शूट कंटिन्यू हुए हैं इसमें मेरे, एक प्रेरणा के साथ, फिर एक कल जो मैं करके आई थी, और फिर एक आज, है ना। तो 3 शूट हो गए हैं, बहुत हैं अभी कंटिन्यू, वैसे कंटिन्यू नहीं करने चाहिए, गुन्नू कह रही यार थोड़ा गैप लेके करो दीदी, आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। मैंने कहा यार मैं पहले ही बीमार होकर उठी थी तो मैंने गैप दे दिया था, लेकिन अब ये डीले कर रखे थे मैंने, तो अब इसीलिए ये करने पड़ रहे हैं। एक मिनट गाइस मैं बेल्ट लगा लूँ सेफ्टी सबसे पहले, तो फिर इसी वजह से अभी हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, और ये वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे, होपफुली आपको पसंद आएगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।